सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को पिछले साल अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे और आज उनकी मौत को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, पर आज भी उनका और अंकिता लोखंडे का रिश्ता चर्चा में बना हुआ है। साल 2016 में सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप हो गया था, पर आज भी किसी को ये नहीं पता है कि वजह क्या थी। और अब एक खास इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने अपना दर्द और आपबीती बताई है। इस इंटरव्यू में बातचीत के दौरान अंकिता ने बताया कि आज लोग मुझे आकर बोलते हैं कि तुमने छोड़ा सुशांत को, लेकिन कोई भी मेरी कहानी नहीं जानता है। मुझे लगता है कि सुशांत ने बहुत अच्छी तरह तय कर लिया था कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें करियर में आगे बढ़ना है। उन्होंने मुझे चुनने की जगह करियर को चुना और आगे बढ़ गए। अंकिता ने आगे कहा, सुशांत तो आगे बढ़ गए, लेकिन 2.5 साल तक मैंने बहुत कुछ झेला। ऐसा था कि मैं बेड पर सोती ही रहती थी, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था, ना मम्मी से बात करती थी ना पापा से, मैं अपने आप में ही रहती थी। तब आपके दिमाग में इतनी चीज़ें चलती है कि उस वक्त की मैं क्या करूँ, क्या मैं खुदकुशी कर लूँ। लोग आते थे और कहते थे कि अरे यार फोटोज हटाओ, क्यों लगा रखी है, लेकिन मैं कहती थी कि मुझे वक्त तो दो कि मैं इससे बाहर निकल सकूं, मुझे टाइम चाहिए। सुशांत की मौत के वक्त सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने अंकिता लोखंडे को बहुत आपत्तिजनक बातें भी कही थी। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा था कि अगर अंकिता सुशांत का साथ नहीं छोड़ती तो आज वो जिंदा होते। अंकिता को इसका बहुत दुख है कि लोगों ने उन पर उंगलियां उठाई और उनके ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके जवाब में अंकिता ने कहा कि वो लोग तब कहां थे जब मेरा ब्रेकअप हो रहा था। अब विकी जैन और मेरा रिश्ता गंदा हो गया है, तब क्यों उसे नहीं समझाई ये चीज़ें। आज इन चीज़ों से तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि सुशांत अब नहीं है और मेरे मन में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। अंकिता ने आगे बताया कि मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूं, पर उसका अपना तरीका था, उसने अपना रास्ता चुना। मैं क्या करती, मैं क्या इंतज़ार करती रहती, मैंने इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया। अंकिता ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो ये कह रहे थे कि सुशांत के जाने के बाद वो उनके परिवार के साथ रिश्ता बना रही है, पब्लिसिटी के लिए खड़ी है। वो बोली, कभी कभी मुझे बुरा लगता है, लेकिन सुशांत तो अब चला गया है, पर मैं तो हूँ ना, मैं उसके परिवार के साथ खड़ी हूँ, मैंने ऐसा रिश्ता बनाया है। मन में फीलिंग आती है कि हाँ, अब मुझे उनका भी ध्यान रखना है क्योंकि सुशांत नहीं है। लगता है कुछ है नहीं, पर फिर भी सब कुछ है। और ब्रेकअप के बाद भी इन 4 से 5 सालों में मैंने उनसे वो रिश्ता बनाए रखा। वेल, अंकिता लोखंडे अपने इस इंटरव्यू में कई बार भावुक भी होती दिखी।